चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम ले रहे हैं वितान पुस्तक से एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने। पहले हम एन फ्रैंक का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एन फ्रैंक के बारे में जानना, उनके जीवन परिचय से। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 में हुई। वे तब सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने इस डायरी को अपने अज्ञातवास के दौरान लिखा था। बाद में उन्हें नाजियों द्वारा खोज निकाला गया और यातना गृह में मार डाला गया। एन फ्रैंक की डायरी सबसे पहले 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। वितान में इसी किताब के कुछ अंश शामिल किए गए हैं। यह डायरी हिटलर के नाजीवाद में पिस रहे यहूदियों और बाद में विश्व युद्ध के तौर पर संसार भर में फैले उसके आतंक और दर्दनाक अनुभवों का साक्षात बयान पेश करती है। यह बहुचर्चित डायरी एन फ्रैंक ने 2 साल के त्रासद अज्ञातवास और जानलेवा तकलीफों के बीच रहकर लिखी। उसे 12 जून 1942 को अपने 13वें जन्मदिन पर एक नोटबुक उपहार में मिली थी। इसी पर डायरी लिखी गई। एन फ्रैंक एक गुड़िया किट्टी भी एन फ्रैंक को एक किट्टी नाम की गुड़िया भी उपहार में प्राप्त हुई थी। एन ने ही डायरी उसी को संबोधित की है। यह डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से अब एक हो चुकी है। तो यह था एन फ्रैंक और उनकी डायरी की पृष्ठभूमि और परिचय। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न पहला आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तर है, एन की डायरी असल में यहूदियों पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों को दुनिया के सामने लाने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। 13 साल की लड़की एन इसके जरिए हिटलर की क्रूरताओं और यहूदियों की तकलीफों की दुर्दांत सच्चाइयों को सामने लाती है। इस तरह वह 60 लाख यहूदियों की आवाज बन जाती है। इसके साथ ही इस डायरी में उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी वर्णन है। हॉलैंड की राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का भी जीवंत वर्णन इसमें किया गया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा था। गेस्टापो, जो कि हिटलर की एक खुफिया पुलिस का नाम है, छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से छुपे रहते हुए ढूंढ निकालती थी और फिर उन्हें यात्रा गृहों में भेज देती थी। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। यहूदी अपने अज्ञातवासों में छिपकर अंधेरे कमरों में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा था। हिटलर की नाजी फौज का खौफ उन्हें हर वक्त आतंकित किए रहता। कोई जरा सी आवाज उठाता तो तुरंत ही मार डाला जाता। ऐसे में एन के गोपनीय तरीके से लिखी गई यह डायरी ही असंख्य लोगों की आवाज बन गई। इसीलिए इल्या इरेनबुर्ग की यह टिप्पणी, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है, अपना विशेष महत्व रखती है। और अब प्रश्न दूसरा स्क्रीन पर आपके सामने। उत्तर है, अक्सर बच्चों को बच्चा समझकर उनके विचारों और भावनाओं की अवहेलना की जाती है।
ऐसा ही एन के साथ भी हुआ होगा, इसलिए वे कहती हैं कि काश कोई तो होता जो मेरी मनोभावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला। और जब भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिलता, तब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने आप से बातें करने लगते हैं। एन की डायरी भी अपने आप से बातचीत करने की एक प्रक्रिया ही है। इसे उन्होंने एक पत्र के रूप में कुट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। और यह कुट्टी कौन है? कुट्टी एक गुड़िया है। जब प्राणवानों से निराशा मिली तो एन की साथिन निष्प्राण गुड़िया बन गई। और अब प्रश्न तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका उत्तर है, एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का सामान मिलना ही चाहिए। वे अपनी डायरी में लिखती हैं कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि उनकी तुलना में शारीरिक रूप से वे ज्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। एन का कथन सत्य और उचित है, क्योंकि औरत ही है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। समाज को उनकी महत्ता के बारे में जानना चाहिए और उनके हिस्से का आदर देने का गुण अर्जित करना चाहिए। एन की डायरी, प्रश्न चौथा है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो उसके साथ उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्ण तरीके से व्यक्त करें। उत्तर है, एन की डायरी से हमें उनके निजी जीवन व देश के तत्कालीन परिवेश का सूक्ष्म परिचय मिलता है। इसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहां की राजनयिक स्थिति, युद्ध की विभीषिका का भी जीवंत वर्णन किया गया है। हिटलर के तानाशाही पूर्ण रवैये के चलते और यहूदियों के प्रति घृणाभाव के कारण यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाता था। गेस्टापो छापे मारकर यहूदियों को ढूंढ निकालती थी और उनको यात्रा गृहों में डाल दिया जाता था ताकि वे मरणांतक पीड़ा भोग सकें। दूसरी तरफ ऐसे यंत्रणादायी सामाजिक परिवेश के तनाव को झेलते हुए पारिवारिक तथा निजी जीवन कैसा दुखद और असामान्य हो जाता है, एन ने इसका भी गहराई से अपनी डायरी में चित्रण किया है। इस तरह यह डायरी अपने आप में एक प्रकार का ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ एन के जीवन के सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का चित्रण करने वाला मानवीय सूत्र भी है। और अब प्रश्न पांचवा आपके सामने स्क्रीन पर, उत्तर है, हॉलैंड के नगर निगम चुनावों में हिटलर की पार्टी के चुनाव जीत जाने पर वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों और नफरत ने जोर पकड़ लिया था। यहूदियों को पकड़कर यात्रा गृहों में डाला जा रहा था। इससे बचने के लिए यहूदी परिवार अज्ञात जगहों पर छिपकर रहने को विवश हो गया था। एन का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था। अज्ञातवास के समय एन की आयु सिर्फ 13 साल थी। बड़े लोगों के अपने मसले थे। वे बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करते थे। बड़ों की बातें सुन सुनकर वह ऊब चुकी थी। तब उपहार में मिली एक निर्जीव गुड़िया को ही उसने अपना सबसे अंतरंग मित्र बना लिया और उसे संबोधित करते हुए ही एन ने अपनी डायरी लिखी। यह निर्जीव गुड़िया मुझे मात्र गुड़िया नजर नहीं आती, यह मनुष्य समाज के उस वर्ग का प्रतीक बन जाती है जो दूसरे मनुष्य वर्ग से नफरत करता है, उसे मिटा डालना चाहता है।
इस तरह वह मानवता से वंचित होकर निर्जीव ही बन जाता है, पाषाण पत्थर। इस तरह एन ने दो स्तरों पर अपनी डायरी संबोधित की है, एक तरफ गुड़िया को, दूसरी तरफ उस निर्जीव समाज को। तो यह था एन फ्रैंक की रचना डायरी के पन्ने पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।